दोस्तों आपने ये पेंटिंग देखी, ये पेंटिंग रंजन सिंह ने बनाई है और वो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। और उन्होंने बताया कि जब वो पेंटिंग सीख रहे थे, एमएफए कर रहे थे, तो उस दौरान उनका कुछ लीन फेज आया था, जब वो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसी दौरान उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। तो मेरा काम है पेंटिंग्स पे पोइट्री लिखना, तो मैंने इसे इस तरह से लिया जैसे ये सूर्य भगवान है और कर्ण जो कि सूर्य पुत्र थे, वो काफ़ी नाराज हो कर के कहेंगे अपने पिता से बात करना चाह रहे हैं, यूँ हाथ उठाकर उनका आह्वान कर रहे हैं। और रंजन जी ने बताया कि उन्होंने ये इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें वो एक साधु को दिखाना चाह रहे हैं अपने रूप में, जब वो बहुत ही दुविधा में हैं तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें रास्ता दिखाइए, वो खुद ही इसमें साधु हैं। बट दोस्तों ये बहुत ही सुंदर आर्ट है, एक प्रोसेस आर्ट, जिसमें कि पेंटिंग जिसने बनाई है उसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हो सकता है और पोएट बिल्कुल दूसरी नज़र से इसे देख सकता है। तो आप भी इसे इंजॉय करिए इस कविता को। सूर्य पुत्र होकर भी सदा सूत पुत्र ही कहलाया, सूर्य पुत्र होकर भी सदा सूत पुत्र ही कहलाया। गुरुओं से सीखने की उत्कंठा को हमेशा हृदय में ही दबाया, त्यागे जाने की पीड़ा अब तो असह्य हो रही है, त्यागे जाने की पीड़ा अब तो असह्य हो रही है, जब माता कुंती पहचान बता करके भी अपनाने से इनकार कर रही हैं। अपने ही भाइयों को है मारना या उन्हीं के हाथों है मरना, या यही है नियति मेरी, यही मेरे जीवन की विडंबना। धन्यवाद दोस्तों।